51 सूत्री समस्याओं के निदान की मांग को लेकर कांग्रेस संगठन महामंत्री कवि जोशी का आंदोलन क्रमिक अनशन के साथ शुरू हो गया है। कवि जोशी के आंदोलन को कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष भगत डसीला सहित पूर्व विधायक ललित फरसवान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश जैठानी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र टंगड़िया, पूर्व पालिका अध्यक्ष गीता रावल सहित अन्य ने समर्थन देते हुए उनके साथ धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि बागेश्वर नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में काफी समस्याएं व्याप्त हैं, लेकिन सरकार, जनप्रतिनिधि तथा जिला प्रशासन उनके निदान की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कांग्रेस के धरने से पूर्व तहसील परिसर में काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ। दरअसल प्रशासन ने तहसील परिसर के अंदर धरने की अनुमति नहीं दी, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए। तकरार को देखते हुए तहसील परिसर में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। बाद में एसडीएम मोनिका के साथ भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तीखी बहस हुई। हालांकि एसडीएम मोनिका ने कहा कि तहसील परिसर में शोरगुल तथा आम आदमी की परेशानी को देखते हुए धरना स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। निश्चित तौर पर एक ये बड़ी पहल, जिस तरीके से संगठन महामंत्री और व्यापार मंडल अध्यक्ष रहते हुए और तमाम साथियों के साथ आज यहाँ पर को जो धरना स्थल पे हम लोग सब आए हुए हैं, हम इस धरने के समर्थन में भी आए हुए हैं और निरंकुश हो चुकी सरकार की नीतियाँ और जो कार्यकलाप है, ये कोई मुद्दे कवि जोशी के अपने घर के नहीं है या ये मुद्दे किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के नहीं है, ये मुद्दे जन समस्याओं के हैं, ये समस्या जन सरोकारों के समस्याओं के मुद्दे हैं। तो जिसको लेकर प्रशासन शासन बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखता, तो मेरा उनसे अनुरोध भी है कि जिस तरीके से ये 51 बिंदु का जो ज्ञापन कवि जोशी जी ने दिया हुआ था, इन 51 बिंदु पर निश्चित तौर पर सरकार ने अभी तक का उन पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए थी और उससे हमको अवगत कराना चाहिए था। तो लेकिन जिस तरीके से सत्ता का दबाव का वो पहले बैठने से मना किया गया यहाँ पर को, उसके बाद आंदोलन में जो समस्याएं जो आप महीने 15 दिन से जो समस्याओं के लिए ज्ञापन जो दिए जा रहे थे उस पर आपने लगातार उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम लोग एक आंदोलन के माध्यम से आज ये तो उपवास के माध्यम से हम लोग आंदोलन की शुरुआत करिए। निश्चित तौर पर अगर ये आंदोलन अगर सरकार नहीं चेती तो हम लोग इसमें और बड़े आंदोलन के रूप में करने को तैयार। देखिए, इस जनपद बागेश्वर में जो तमाम जन मुद्दे हैं उनको लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हमारे संगठन के महामंत्री कवि जोशी जी इस क्रमिक अनशन को प्रारंभ कर रहे हैं और हम समस्त जनपद के कांग्रेस जन इस मुद्दे को लेकर के इस तहसील परिसर में हम आंदोलनरत हैं। लेकिन आज सुबह सुबह ये चीज़ देखने में आई कि यहाँ की उप जिलाधिकारी महोदय और तमाम पुलिस प्रशासन के लोग हमें इस परिसर में बैठने से साफ साफ इनकार करते हैं। क्या हमने उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई इसी वजह से लड़ी कि ये जो अधिकारी और कर्मचारी हैं ये हमारे ऊपर जो ब्यूरोक्रेसी है हमारे ऊपर हावी हो? हमारे ऊपर से कहने का मतलब है कि जो हम जन आंदोलन को करने वाले लोग हैं, जो जनता की समस्याओं को सड़क पर से लेकर के सदन तक रखने का काम जो हम लोग कर रहे हैं, क्या ये हम लोगों के ऊपर इसीलिए हम लोगों ने उत्तराखंड की नींव रखी, इसीलिए उत्तराखंड का जन्म हुआ और हम लोगों ने उस उत्तराखंड आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण समय दिया और उस महत्वपूर्ण समय देने अगर उसकी जगह पर हम पढ़ लिख रहे होते कहीं पर तो शायद हम भी किसी अच्छे पोस्ट पर बैठे होते। लेकिन हमने जनता ने और उस समय तो जो गर्भ में पल रहा हुआ जो भ्रूण था वो भी एक जन आंदोलनकारी हम मानते हैं उसको। और लेकिन आज जो निरंकुश जो यहाँ के ISP PCS IPS और ये लोग जो इस तरीके से आज दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, मुझे तो वो ब्रिटिश काल की वो याद आती, जो हमने किताबों देखा तो नहीं, हमने पढ़ा है तो वो ही याद हमें आज आ रही है कि इस प्रकार से इन आंदोलनों को कुचलने का काम इस भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे और उनके एजेंट के तौर पर ये काम करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन इस सत्ता बदलेगी, सरकार बदलेगी, ये अधिकारियों को हम निश्चित तौर पर सबक सिखाने का काम करेंगे। इतना ये आपके माध्यम से हम इनको चेता देना चाहते हैं कि क्योंकि आज जिस तरीके से इस बागेश्वर में जितने भी परेशानियां हो रही हैं, जितने भी आपने देखा होगा विगत 15 माह से, जबकि किसी कार्य को पूर्ण करने में 6 माह का समय लगता है, टेंडर की डेट ऑफ स्टार्ट से 6 महीने में कार्य पूर्ण होने की अवधि दी जाती है, लेकिन आज 1.5 साल से उस अस्पताल में कार्य हो रहा है लेकिन वो कार्य कब पूर्ण होगा उसका अभी तक कोई अता न पता है और कोई उसमें नुमाइंदे, कोई सरकार के कोई नुमाइंदे उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। तमाम
सड़कें यहाँ की और यहाँ के स्कूल विद्यालय अध्यापक नहीं है और डॉक्टर्स नहीं है, तमाम बिजली की ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, लोगों के घर टूट रहे हैं और यहाँ पर को तमाम कई प्रकार के मानक जो प्लेन्स में है वही मानक यहाँ भी रखे जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम आज ये जन आंदोलन कर रहे हैं और देखिए अगर ये नई सरकार चेती और इन मुद्दों पर इन्होंने अमल नहीं किया और सारे विभागों के विभागाध्यक्षों को अगर ला करके इन्होंने हमारे द्वारा साथ काउंसलिंग नहीं करी तो हम इसको और उग्र आंदोलन और आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और आमरण अनशन में भी तब्दील करने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। चाहे हमारे लाशों से ये गुजर के जाएंगे लेकिन हम इस परिसर को छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक ये मुद्दा पूरा नहीं होगा। आज यहाँ पर हमारे प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक आंदोलन की शुरुआत हुई है और जिसमें हमारे जिला महामंत्री यहाँ पर अनशन में बैठे हुए हैं और क्योंकि ये उनकी खुद की मांग नहीं है, सबके लिए मतलब आम जनता के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं और सबसे पहले की दुखद बात ये है कि लोकतंत्र में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का सबको अधिकार है और हम यहाँ पर आए, हमें कभी यहाँ जाना पड़ा कभी वहाँ जाना पड़ा जबकि हमने 2022 में यहाँ पर 56 दिन तक बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग के लिए यहीं पर हमने क्रमिक अनशन किया था और आज तक जितने आंदोलन हुए इसी तहसील परिसर में हुए। लेकिन आज बहुत दुख से हमें बताना पड़ रहा है कि हमें यहाँ से आंदोलन करने का अधिकार भी से छीना जा रहा है और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके यहाँ पर बैठे हैं। कई मुद्दे ऐसे हैं, 2018 में एक सत्र में एक रैन बसेरे का टेंडर हुआ था यहाँ जो कि आज तक उसमें एक ईंट भी नहीं लगी है और वो निर्माण ऐसे ही बंद पड़ा है और वहाँ नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है और जो बागेश्वर की सबसे महत्वपूर्ण पार्किंग की समस्या है वो पार्किंग का काम आधे अधूरे में लटका है। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम हुआ नहीं है तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि हमको उन मुद्दों से अवगत कराएं नहीं तो हमारा आंदोलन और उग्र आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे। देखिए कई सालों से जो सामाजिक जन समस्याएं हैं जो लगातार बनी आ रही है उस पर 51वीं सूत्री मांग को लेकर हमने 29 तारीख को तहसील परिषद में आके उप जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया था जिसके लिए पहले जितने भी विभाग है लगभग ये 4 विभागों से संबंधित ये जो समस्याएं हैं वो हैं नगर पालिका, वन विभाग, PWD और स्वास्थ्य विभाग। तो ये समस्या लगातार कई सालों से चली आ रही है, उस पर हमने एक प्रशासन तो कई बार चेताने की कोशिश करी, कितने बार सभी जितने विभागों से संबंधित है उस विभागों में भी हमने ये ज्ञापन दिया है, उसके बावजूद आज तक उन समस्याओं का कोई भी निराकरण इनके द्वारा नहीं किया गया। तो हमारी यही मांग थी कि जो भी आपके द्वारा इन 51 सूत्री मांगों पर आज तक कार्रवाई हुई है उसको सार्वजनिक किया जाए क्योंकि आम जनता के द्वारा भी इन समस्याओं पर कई बार कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया गया परंतु प्रशासन ज्ञापन तो लेता है उसको शायद थोड़ी देर बाद डस्टबिन में डाल देता है और आज तक अगर कोई कार्रवाई की गई है प्रशासन उसकी सार्वजनिक करे उस कार्रवाई को। हम ये चाहते हैं, हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि जो समस्या है आज तक की जनता के बीचों में उसमें आपके द्वारा प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है क्योंकि प्रशासन और जिला के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है बागेश्वर की जनता की समस्याओं का निराकरण करके उनकी समस्याओं का समाधान करना क्योंकि जवाबदेही तय होनी जरूरी है क्योंकि जिले के पदाधिकारी और जितने भी जनप्रतिनिधि बन के अपनी अपने सदन में गए हैं और बागेश्वर जिला के जितने भी आला अधिकारी हैं जो अपनी अपनी कुर्सियों को तोड़ने के सिवा कोई काम नहीं करते जिला प्रशासन जिले के अंदर, उनकी जवाबदेही है कि वो जनता के लिए काम करें और जनता के काम करने के लिए उनको सिविल सर्विस में यहाँ पर वो बैठे हुए हैं, सिविल सेवा देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। सिविल सर्विस का काम सबसे पहला होता है कि जनता की समस्या का निराकरण करना किसी भी स्थिति पर हो, मगर हम आज 7 दिन बाद भी आज हमको अनशन करने के लिए बैठना पड़ा है और अनिश्चितकालीन यह अनशन है और जवत परी यह अनिश्चितकालीन अनशन उग्र आम अनशन के लिए भी आगे बढ़ेगा और हम चाहते हैं कि प्रशासन इस 51 सूत्री समस्याओं को पूरे डिपार्टमेंट को बुला के इन समस्याओं में जो कार्रवाई हुई है उसको सार्वजनिक करे तो हम फिर सोचेंगे उसके बाद हम आगे का क्या निर्णय लेंगे, आंदोलन आगे बढ़ेगा या फिर उसको हम कुछ दिन के लिए आगे रोक सकते हैं। नगर पालिका क्षेत्र जो है बागेश्वर की बहुत सारी ऐसी ज्वलंत समस्याएं हैं जिनके संबंध में पूर्व में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भगवत रसीला, महामंत्री कवि जोशी और अन्य साथियों के द्वारा कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया लेकिन अभी तक उन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। जिस संबंध में हमने जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले मंच तले भगवत रसीला के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और कवि जोशी जी के द्वारा ये उपवास कार्यक्रम यहाँ पर शुरू कराया गया तो हम सब लोग उनके समर्थन में पर है और जो 51 सूत्री मांग पत्र रखा है
प्रशासन को चाहिए था कि भाई एक सप्ताह पूर्व हमने उनको जो है लिखित में अवगत कराया था, विभागीय अधिकारियों को बुलाकर उनका समाधान करवाकर हमको अवगत कराना, लेकिन आज 4 तारीख तक जो समाधान नहीं कराया गया तो हमको मजबूरी में यहाँ पर तहसील प्रांगण में यहाँ पर बैठना पड़ा, और उसमें भी बहुत जद्दोजहद के साथ प्रशासन के द्वारा हमारे जो पूर्व में यहाँ पर कार्यकर्ता बैठ रहे थे उनको एकदम जो है पुलिस के भय से, पुलिस की डर से जो है बाहर बैठा दिया गया, सड़क पर बैठा दिया गया, और आवाजाही में जो दिक्कतें वहाँ पर हो रही थी, गाड़ियाँ वहाँ से निकल रही थी, तो हमने पुनः जो है इसी तहसील प्रांगण में आंदोलन शुरू कर दिया। हम चाहते हैं कि भाई हमारे आंदोलन की जो बिंदु हैं उनका समाधान हो, और हम यहाँ पर कोई ऐसे नहीं बैठने के लिए आए कि भाई हम लोग बैठे रहें, अगर बिंदु समाधान हो जाएंगे तो हम स्वतः ही जो है अपने जनप्रतिनिधियों के, अपने नेताओं के साथ इस बैठक का समापन भी करते हैं। जिला कांग्रेस के महामंत्री हैं, उनके द्वारा एक ज्ञापन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, टोटल उसमें 51 पॉइंट्स हैं, तो वो हमारे यहाँ से अग्रसारित कर दिया गया था, और डीएम साहब के द्वारा भी संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के लिए उसमें निर्देशित कर दिया गया है। तो अभी इनके द्वारा हम सुबह अनुरोध भी किया गया था कि चूंकि कार्यवाही चल रही है प्रत्येक बिंदु में, और जितने भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, डीएम साहब है, स्वयं प्रयासरत हैं शहर की सारी जो समस्याएं उनको हल करने के लिए, अभी उनसे वार्ता करी जाएगी और जितने जल्दी हो सके उस प्रदर्शन को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरीके का प्रोटेस्ट की बात आती है तो पुलिस सुरक्षा तो हमारे द्वारा व्यवस्था करवाई जाती है ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न होने पाए, उसका मूल उद्देश्य वो रहता है, किसी की आवाज को दबाना कभी भी सरकार की या सरकारी अधिकारी की मंशा नहीं रहती है, तो जो उनके मौलिक रहेगा उसके प्रति भी पीसफुल प्रोटेस्ट वहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, किंतु परिसर के अंदर टेंट लगाना या परिसर के अंदर नारेबाजी करना या परिसर के अंदर माइक व्यवस्था, इस प्रकार का व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो तहसील परिसर है उसमें बहुत सारे कार्यालय हैं, इसके अतिरिक्त तो यहीं पास में पुस्तकालय भी चलता है जिसमें नगर के बच्चे पढ़ते भी हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का व्यवधान बच्चों को या यहाँ पे जो कार्यालय में हमारे अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं उनको किसी प्रकार का व्यवधान न। CGN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।